सो इन दिस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट कोल्ड चेन. कोल्ड चेन क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन. जो भी वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन की जाती है, उसको स्टोर करने के लिए वैक्सीन को, साथ ही साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड चेन का यूज़ करते हैं. कोल्ड चेन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत कम है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेस टेम्परेचर पे इसको यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, जो भी मैन्युफैक्चरर साइट है वहाँ से लेके हम क्या कर सकें, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन साइट है या फिर जो भी वैक्सीनेशन साइट है, वहाँ पर हम उसको केयरफुली या फिर ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें. तो ये इसका मेन मोटिव होता है कि क्यों हम कोल्ड चेन का यूज़ करते हैं. कोल्ड चेन की हम हेल्प से, आजकल आपने देखा होगा कोविड जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो आजकल हमारे भारत में सबसे अच्छे से किया जा रहा है. उसका मेन मतलब ये मकसद यही है कि हम कोल्ड चेन की हेल्प से उसको अच्छे से कर पा रहे हैं. देन हम बात करते हैं अबाउट द कि किस तरीके से हम कोल्ड चेन को यूज़ कर सकते हैं. सो हम देखते हैं कि हर एक वैक्सीन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैक्सीन है उनको स्टोर कर सकते हैं. सो सम वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट. कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनको हम फ्रीजर कंपार्टमेंट पर रखते हैं, जिनका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, लगभग हम देखते हैं -22 -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जो पोलियो हो गया है, मीजल्स की वैक्सीन होती है, इनको हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टोर करते हैं. ओके, सेकेंड हम बात करते हैं सम स्टोर इन रेफ्रिजरेटर. कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनको हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर टाइफॉइड हो गया, DTP हो गया, टिटनस टॉक्साइड हो गया, BCG, DT एंड डायवेंट. ओके, ये सारे एग्जाम्पल जो है वैक्सीन के, इनको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर पर रखते हैं. टेम्परेचर मेनली हम देखते हैं 2 to 8 degrees Celsius रहता है. ज़्यादातर हम फॉलो करते हैं कि टेम्परेचर कितना हो, 2 to 8 degrees Celsius हो. ओके, सो ये हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वैक्सीन को. देन हम बात करते हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट की, किन इक्विपमेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड चेन को परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, कि रेफ्रिजरेटर्स को हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम देख लेते हैं काफ़ी सारे आ जाते हैं, लाइक डीप फ्रीजर्स आ जाता है, स्मॉल डीप फ्रीजर्स आ जाता है, या फिर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं. अगर हम बात करें डीप फ्रीजर्स के बारे में, डीप फ्रीजर्स क्या है, जिसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है कोई भी, लगभग हम देखते हैं -22 -40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रहता है, जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर कर रहे हैं. सो इसका जो डीप फ्रीजर होते हैं, ये लार्ज होते हैं कुछ और कुछ स्मॉल होते हैं. अगर हम लार्ज की बात करें तो इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 300 लीटर होती है. साथ ही साथ इनको हम CHC में, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनको स्टोर करने के लिए हेल्प यूज़ में लेते हैं, कि वैक्सीन को स्टोर करना है तो यहाँ पर हम CHC में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनको यूज़ कर सकते हैं. टेम्परेचर हमने इनको बताया कि -22 -40 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर मैं आपको बताऊँ कि प्रिजर्व किस पे किया जाता है, तो प्रिजर्व हम देखते हैं कि एक मंथ तक हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को इसके अंदर प्रिजर्व करके रख सकते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं स्मॉल डीप फ्रीजर्स के बारे में. ये डीप फ्रीजर जो था लार्ज वाला, इसका ये थोड़ा छोटा पार्ट होता है, छोटा भाग होता है कि ये स्मॉल होते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, लगभग हम देते हैं 140 लीटर्स का ये होता है. साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेम होता है CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, और PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, और इनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, और कितना टाइम लगता है, 1 month. ओके, इतना हम प्रिजर्व कर सकते हैं. देन हम बात करते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, ILR के बारे में. इसमें हम क्या करते हैं, ये रेफ्रिजरेटर हैं, ये आपने देखे होंगे कि हमारे घरों में जो यूज़ होता है उसमें फ्रंट होता है डोर, वहीं जो ये जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इनमें जो टॉप होता है, टॉप में क्या होता है, डोर होता है. तो इसके डोर कहाँ है, टॉप में है. साथ ही साथ क्या होता है, इसके अंदर हम क्वांटिटी रख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो भी वैक्सीन है उनकी. ये लार्ज होते हैं और स्मॉल होते हैं ILR. लार्ज ILR में हम देखते हैं कि CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लार्ज ILR का यूज़ किया जाता है. वहीं हम बात करें अगर स्मॉल ILR के बारे में, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये PHC सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है. टेम्परेचर इसमें 2 to 8 degrees Celsius होता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर है, ये कोई भी डीप फ्रीज़र वगैरह नहीं है. ओके, सो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम कुछ रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैक्सीन है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. देन हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड वन, जो कि हमारा वॉक इन कोल्ड WIC रूम. वॉक इन कोल्ड मतलब क्या है, वॉक इन कोल्ड मतलब है कि ये ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है. ये कोई बॉक्स नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये पूरा एक रूम है. रूम का साइज डिफर कर सकता है, 10x10 का हो सकता है, 10x12 का हो सकता है. सो इस तरीके के रूम्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है.
ये हम देखते हैं रीजनल और स्टेट जो होते हैं रीजन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और ये जो रीजनल और स्टेट रीजन होते हैं ये क्या करते हैं 3 to 4 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको सप्लाई करते हैं वैक्सीनेशन का, वैक्सीन वगैरह का। इसका जो टेम्परेचर होता है, अगर हम बात करें WIC के बारे में, वॉक इन कोल्ड, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हम देखते हैं मिनिमम होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम मैक्सिमम यही देख पाते हैं कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। वहीं हम बात करें वॉक इन फ्रीज़र भी आता है जिसके अंदर टेम्परेचर हम क्या देखते हैं, वही जो डीप फ्रीजर्स में रहता है -20 to -40 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हम जो वैक्सीन है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं कि लगभग कितने समय तक, 3 मंथ तक हम क्या कर पा रहे हैं, वैक्सीन को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, सर्व करता है वैक्सीन वगैरह को। सो ये था हमारा वॉक इन कोल्ड रूम वगैरह, जिसमें एक रूम का यूज़ किया जाता है जिसको बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है जिसके अंदर, और उसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर वैक्सीन वगैरह को स्टोर करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी बहुत कुछ होता है कि 8 hours की इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी होती है इसके लिए, और ये 5 days तक क्या कर सकता है। हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तब भी ये क्या करेगा, वैक्सीन वगैरह को ख़राब नहीं होने देगा। फिर हम बात करते हैं कोल्ड बॉक्सेस के बारे में। कोल्ड बॉक्सेस हम देखते हैं कि एक बड़े बॉक्स होते हैं काफ़ी, जिनके अंदर हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये खासकर यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि जब भी हमें वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी लेवल ऑफ सेंटर पे, तो हम क्या करेंगे, कोल्ड बॉक्सेस का यूज़ करते हैं जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में क्या है, वैक्सीन हमने स्टोर करके रखी है। इसमें ध्यान ये देना होता है कि जो भी हमने इसके अंदर आइस पैक्स वगैरह डाले हैं, कोल्ड पैक्स वगैरह डाले हैं, वो कैसे हों, फ्रीज हों। अगर वो फ्रीज नहीं है, उनका अगर फ्रीजिंग कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो वैक्सीन है वो ख़राब हो सकती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो वैक्सीन है वो कॉन्टैक्ट में किसके नहीं आना चाहिए, जो भी हमने आइस पैक वगैरह डाले हैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, ये उनसे अलग होना चाहिए। जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी थर्माकोल या फिर जो कार्डबोर्ड के बॉक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हम जो भी वैक्सीन है उनको रख के, और जो भी आइस पैक वगैरह है उनसे अलग रखते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वैक्सीन कैरियर के बारे में। वैक्सीन कैरियर मोस्टली हम देखते हैं जो सब सेंटर वगैरह होते हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और इसमें एक कम अमाउंट ऑफ जो वैक्सीन होती है उनको हम स्टोर करते हैं। लगभग हम देखते हैं 16 to 20 वैक्सीन की जो वायल्स होती हैं वो इसके अंदर हम कंटेन करके रख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 4 आइस पैक्स होते हैं, उनको हम हर एक लेयर पर, एक जो इसकी 4 साइड्स होती हैं वहाँ पर हम लगा देते हैं, और इसका जो लिड होता है ऊपर का उसको टाइटली पैक कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना हो या कोई होल वगैरह ना हो, जहाँ से उसका टेम्परेचर कम हो या उसकी वजह से टेम्परेचर कोई अल्ट्रेशन आए, सो इसका ध्यान देना होता है। और 2 दिन तक क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी वैक्सीन की वायल वगैरह है उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डे कैरियर के बारे में। ये जो वैक्सीन कैरियर है इसका भी छोटा पार्ट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इससे कम वैक्सीन लाइक 6 to 8 वायल हम इसके अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये क्या करता है, कुछ घंटों का हमको एक टाइम दे देता है। हम देख सकते हैं कि इसके कुछ घंटों तक ये प्रिजर्व करके रख सकता है जो भी हमने वैक्सीन वगैरह को हमें लेकर जाना है सब सेंटर वगैरह तक। ये भी हम सब सेंटर पे यूज़ करते हैं जिसके अंदर 2 आइस पैक्स हम यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं आइस पैक्स वगैरह। आइस पैक्स वगैरह हम देखते हैं जो विलेज वगैरह हो गए वहाँ पर ले जाने के लिए आइस पैक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम जो वैक्सीन वगैरह है उसको हम किसी कार्डबोर्ड में रख के और आइस पैक लगा के ले जाते हैं। और जो आइस पैक्स वगैरह हैं ये हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो विलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर इतना ईजी नहीं हो पाता कि हम वहाँ पर फ्रीजर्स वगैरह को या फिर रेफ्रिजरेटर्स वगैरह को या फिर कोल्ड बॉक्सेस को लेके जा पाएँ, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर सप्लाई प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ईजी वे होता है कि हम वहाँ पर जो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन उनको लेकर वहाँ पर एडमिनिस्टर कर पाएँ। तो ये था हमारा कोल्ड चेन, जिसके अंदर हम कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, जो भी वैक्सीन है उसको स्टोर करके और ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं कोल्ड टेम्परेचर के अंदर। ओके, तो ये था, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू।